कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम में सोसाइटी की RWA ने भी अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दी है। गुरुग्राम में सेक्टर 37 डी की BPTP पार्क सरीन व सेक्टर 50 की फ्रेस्को सोसाइटी ने पहले ही सोसाइटी के लोगों को COVID-19 के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और अब पार्क व्यू सोसाइटी की RWA ने भी बढ़ते मामलों को लेकर संज्ञान लिया है। सोसाइटी में जिम, क्लब, पार्क, स्केटिंग कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ गुरुग्राम में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है तो वहीं गुरुग्राम में बढ़ते मामलों को देखते हुए सोसाइटी में RWA भी अब सख्त हो गया है। गुरुग्राम की पार्क व्यू सोसाइटी में कोरोना के 17 मामले आने के बाद RWA ने सोसाइटी में जिम, क्लब, पार्क आदि चीजों को बंद कर दिया है और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही बच्चों को भी पार्क में खेलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अब जो भी सोसाइटी में आने जाने वाले लोग होंगे उन्हें थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कराना होगा, तभी उन्हें सोसाइटी में एंट्री मिल सकेगी। इतना ही नहीं, सोसाइटी में अब मंदिर में भी लोग एक साथ ज्यादा लोग नहीं जा सकते। पार्क यू सोसाइटी के अध्यक्ष सावित्री देवी ने कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह के सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार को इन मामलों में और भी ज़्यादा कठोर और सख्त कदम अपनाने पड़ेंगे। जैसे पिछली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने अचानक ही 16 या 20 डेज का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, उसी प्रकार का सख्त लॉकडाउन जिसमें कि सारी चीज़ें एक बार स्टैंड स्टिल हो जाएं, ऐसा कदम उठाना जरूरी है। जान है तो जहान है, यदि हमारी जान ही नहीं है तो इकोनॉमी को बूस्ट करके, फिलिप करके उसको हम आगे बढ़ाकर क्या करेंगे। सबसे पहले जीवन सबसे बहुमूल्य चीज़ है जिसको बचाने के लिए कठोर कदम अपनाने चाहिए। अगर हम लोग ही अपना जो है फॉलो करेंगे जितने भी हमारे नियम हैं तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं बजाय उसके जो हम उनको वर्बली बताते हैं। देखने से लोगों को नहीं इतना समझ में आता है, आप जब करते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल है कि जब बच्चे उस चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे। हमने अपनी सोसाइटी की बीमारी को बढ़ते हुए देखते कोविड को बहुत सख्त कदम उठाए हैं। कोई भी बाहर से एंट्री करता है, आता है, हम उसको उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं और सैनिटाइजर कराते हैं। टेम्परेचर जिसका ज़्यादा मिलता है उसको अंदर आने के लिए अवॉइड कर दिया जाता है। जो भी रेजिडेंस का यदि टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है उसको चेक कराने के लिए बोला जाता है और सोसाइटी के अंदर बताने के लिए कि दबाया नहीं जाए, कोई चीज़ ओपन हो जाए, सबको पता लग जाए। और जिस टावर में भी हो जाता है उस टावर को सैनिटाइजर कराया जाता है, उसके लिए सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। मास्क के लिए हमें सबको बोल दिया भी मास्क बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के अंदर कोई भी बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।